गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है 5:30। आप लोगों को हम अभी टेन का बाहर का व्यू दिखाते हैं। कैसा था ज्योति? रात बढ़िया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी करेगा, ब्रेकफास्ट रेडी करके खा के उसके बाद यहाँ से निकल जाएगा तवांग के लिए। ये लोकेशन तो सच में बहुत याद आएगा बाद में, इतना प्लीजेंट लोकेशन, बहुत ही बढ़िया था ये। अरे कहाँ जा रहे हैं? बस कर लेते हैं। हम लोग संगती वैली से निकल गया, अभी चुक वैली विजिट करेगा उसके बाद तवांग निकलेगा। तो अभी पेट्रोल फिल कर रहा है, अभी पेट्रोल का रेट है 96.45। ईटानगर से थोड़ा ज़्यादा है पेट्रोल का रेट। अभी हम लोग जा रहे हैं चुक वैली का तरफ। ये है चुक वैली, ये लड़की यहाँ कॉस्मोस तोड़ रहा है, बाहर का सच ही जा रहे हैं। ये पानी चुक वैली को काफ़ी करीब से देख लिया हम लोगों ने। एक नदी है यहाँ पे और जो पेडी फील है काफ़ी सुंदर कराता है ये वैली को। तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं यहाँ से। हम सोच रहा था कि थोड़ा रास्ता जो नेरो होगा बोल के, लेकिन ये तो टू लेन है, प्रॉपर टू लेन, ठीक ठाक रास्ता है। वाह, कितना सुंदर ये रास्ता है, बाइकर्स लोग जा रहे गुदगुदी हो रहा है, इससे हाइट में जा रहा है ना अभी। मत बोलो ना। इतना फॉग है, देखो नीचे तरक दिखे। वो वाला मूवी याद आ गया, क्या क्या मूवी था रे, जब राम 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 बोलते हैं ना। इस रास्ता, माय गॉडनेस, रास्ता देखो कैसे जाएगा। हमें थोड़ा बैक चला जा, एकदम ही नेरो है रोड, रोड बहुत ही नेरो है, और उपाय भी नहीं, यहाँ वाइट भी नहीं कर सके रोड। आप लेफ्ट तरफ अभी देख सकते हैं पूरा फॉग, ये तो पक्का ऊपर से गिरा है, ये देख सकते हैं आप, वेरी रिस्की, ऊपर तरफ फॉग जा रहा है। यहाँ में 3 डिग्री सेल्सियस है अभी। इंडिया का मैप बना के रखा है इसमें। यार देखिए अभी स्नोफॉल हो रहा है, बाल में भी गिर रहे, तेरा में नहीं गिर रहे, बढ़िया। हम लोग पहुँचते ही इधर स्नोफॉल होना शुरू हो गया। हाँ, मैरिज के बाद फर्स्ट स्नो। और बिना मैरिज के पास स्नो नहीं, मेरा तो बहुत सारा है बात स्नो। तेरा पास ओ, हम लोग तो मायोदिया पास में भी ना।
एक कैफेटेरिया एरिया है, इसमें इतना भीड़ भाड़। हम लोग चाय पियेंगे। ठंडा क्यों है? वहाँ पे सन का जो रेज गिर रहा है वो पहाड़ पे, वो अलग सा एक सुंदर करा रहा है वो पहाड़ को। सिला तोप से निकल रहा है। यहाँ पे पता नहीं क्यों थोड़ा चक्कर चक्कर से लगने लग रहा था, फिर भी थोड़ा देर रुक के तो हम लोग फोटो वोटो क्लिक किया। लेफ्ट साइड में सिला लेक है, ये काफी सुंदर ब्लू कलर लग रहा है ना स्काई के साथ में। यहाँ नजर घुमाओ तो ऐसे सुंदर होके, फिर वहाँ नजर घुमाएगा तो वहाँ सुंदर, मतलब सुंदरता पूरा भर के यहाँ में ठूस के दिया है भगवान ने। हाथ से जितना सुंदर दिखता है उतना नहीं आता है। ये है जसवंत घर वार मेमोरियल। वाह देखिए स्नो कैप माउंटेन। यहाँ पे स्टोरी दिया गया जसवंत घर का। यहाँ से जो व्यू है काफी सुंदर। अभी जा रहे हैं हम लोग ओल बंकर देखने के लिए। ये बंकर्स चाइना लोग कहाँ से आया था? उधर से। मैं भी चाइनीज लोग वहाँ से आया था। यहाँ पे है जसवंतगढ़ स्मृति स्थल, इसको देखते हैं क्या है इसमें। नेफा सेक्ट तिब्बत। इनका स्टेन गन, ये गन से वार लड़ा था शायद, तो इसको ही मेमोरी के लिए यहाँ रखा हुआ है। यहाँ पे उनका पूरा वो है, पूरा उनका बिलोंगिंग्स लुक है इसमें। ये गच्ची में इधर वार इधर में हुआ था। ये गच्ची में लास्ट ब्रेथ ये उनका वर्दी। ये हम लोग ने देख लिया जसवंतगढ़ और कहानी भी पता चला है। तो अभी हम लोग जाएगा यहाँ से फिर जंग वाटरफॉल नेक्स्ट स्टॉपेज। जंग फॉल यहाँ में कुछ टिकट लेता है क्या? कितना? हम लोग 160। बिना टिकट का हो जाएगा? चार। तू होगा एक के बाद में जाते समय को देना पड़ेगा आप लोग को, हो जाएगा। तो यहाँ ये वाटरफॉल विजिट के लिए पर पर्सन 40 रुपीस। अभी आप लोग को बढ़िया व्यू दिखाएंगे, मेरा पीछे देखिए। अभी हम लोग नीचे जाएगा। चलो अब ब्यूटी को सामने से देखते हैं, नेचुरल ब्यूटी को। तुम लोग तो नेचुरल ब्यूटी है ही नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब? तो तुम लोग तो क्या बोलेगा, आर्टिफिशियल ब्यूटी, मेकअप करके आर्टिफिशियल ब्यूटी ऐसे करके निकल गए। वाह बहुत ही सुंदर रेनबो वहाँ दिख रहा है। काफी बड़ा वाटरफॉल है, अभी दिखाएगा आप लोगों को। यहाँ तक
मतलब उसका वो आ रहा है पानी का जो बूंद है तो दो रेनबो है वाह नहीं दो नहीं एक ही है एक हैंगिंग ब्रिज देखने जा रहा है वो उधर है वो देखिए बस फंसना नहीं चाहिए गाड़ी यहाँ पे गाड़ी अगर फंस जाने से गियो ये पोर्शन है थोड़ा वो आगे तो सुपर है ऑफ रोडिंग का मजा डर लग रहा था क्या गाड़ी फंसे गया बोल के हाँ वापस जाते वक्त फंस सकता है ऐसे चरा ही है तो वो तो डाउन आ रहा था ना हम लोग नम के आगे चल चल चलेगा फिर तो ऐसे होने से क्या होगा तुम खेलो बसने से तो खेलना पड़ेगा चलने से थोड़े घर निकलेगा देलेगा वाह उधर देखो सनसेट हो रहा है ब्रिज तो दिखाई दे रहा है नीचे किसे आगे से क्या होगा ना नहीं नहीं वही होगा चलिए जाके देखते हैं अभी आया तो सब जगह घूम के जाएगा जो जो पॉइंट है देखने का फिर कब आना होगा क्या पता मैं प्रेयर पूरा लिख के रखा है भी है तो ये ब्रिज को वो बनाया ओके सच में तवांग में मतलब ये तवांग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत है देखने लायक हिस्ट्री है यहाँ पे